हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग अच्छे हैं। तो होपफुली किसी लोग ने मुझे मिस नहीं किया। अगर मिस किया रहेगा तो वेल डन। वापस आ गए हम लोग यूट्यूब पे, द यूट्यूब्स। सो अभी थोड़ा सीन थोड़ा चेंज होने वाला है। तो बिग न्यूज़ थोड़े टाइम में आने वाली है और ये मेरा ऑलमोस्ट लास्ट वीक होने वाला है घर पे वर्कआउट का। होपफुली ये आप लास्ट टाइम देखोगे ये पूरा सेटअप। अगर आपको पता है क्या होने वाला है तो कमेंट कीजिए और बताइए मेरे को। तो बहुत टाइम मैं यूट्यूब से दूर था, तो मैं इसी चीज़ के लिए दूर था एक्चुअली, जो मैं काम में बिजी हूँ अभी। तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत पैसे इन्वेस्ट हो चुका है इसमें एंड आई गेस दिस इज़ गोइंग टू वर्क। आई एम नॉट जिंक्सिंग माई सेल्फ, बट अगर गंदा गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? इट्स अ बिग इन्वेस्टमेंट फॉर मी। फ़र्क पड़ता है यार, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है। तो होपफुली फॉर द मुंबई नई मुंबई पीपल्स, वो लोग को पसंद आए जो चीज़ हम लोग बना रहे हैं एंड वी आर प्रोवाइडिंग। बहुत मतलब बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, पता नहीं आप लोग के लिए कितनी बड़ी चीज़ रहेगी। होपफुली मैं उसको वीडियो में कवर कर पाऊँ, क्योंकि जब ये कोई काम होते हैं मुझे कॉम्पिटिशन काम, उस टाइम पे मैं वीडियो बनाना भूल जाता हूँ एंड आई रिग्रेट दैट आफ्टरवर्ड्स कि भाई वीडियो क्यों बनाया। इट कुड हैव बीन मतलब मस्त वीडियो बनता उस टाइम पे, अगर वीडियो बनता तो। तो अभी मैं ट्राई करूँगा, नॉट प्रॉमिसिंग बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक अ वीडियो अबाउट इट। छोटा मोटा क्लिप्स है मेरे पास, आई विल ट्राई टू कंपाइल इट, मतलब पार्ट्स में निकालूंगा सारे वीडियोस। होपफुली नेक्स्ट वीक मैं कुछ वीडियो निकाल पाऊँ। एंड सॉरी गाइज फॉर स्टेइंग अवे फ्रॉम यूट्यूब फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। काम होते हैं, करने पड़ते हैं और उसमें मुझे यूट्यूब का टाइम बिल्कुल नहीं मिला था रिगार्डिंग द बिजनेस एंड ऑल। बिजनेस भी थोड़ा सा बिजी चल रहा है आजकल, तो और एक काम ऐड कर दिया मैंने और बिजी करने के लिए। सो होपफुली ये चीज़ आप लोग को पसंद आई, पसंद आएगी तो मज़ा आएगा, आप लोग भी उधर आ पाओगे। और कैमरा शायद स्टेबल हो चुका है, इट्स स्टेबल किया। तो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। और नया स्टाइल कैसा है विद द मुस्टैश? आती नहीं मुझे बट थोड़ा सा रखा है बस, दैट्स इट। एंड मैं थोड़ा छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट किया, आपको भी दिखा देता हूँ। आपने शायद देखा रहेगा पहले, दिस इज़ नोन एज अ सेफ्टी स्क्वाड बार। साइड्स दिखाता हूँ, दिस इज़ ये मतलब बेसिक सेफ्टी स्क्वाड बार है। मुझे किधर मिल नहीं रहा था तो अपना ये सल्लू भाई आसम इज़ बाबिल, उसने बता दिया मुझे। एंड अभी कौन आया तो हम लोग किधर थे? नया इक्विपमेंट जो मैं अभी घर पे यूज़ कर रहा हूँ, सेफ्टी स्क्वाड बार फ्रॉम माय फ्रेंड, मतलब सल्लू ने मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वो कॉन्टैक्ट किया, सेफ्टी स्क्वाड बार ले लिया। एंड न्यू बार बिल फ्रॉम बुलरॉक, बहुत महंगा ये। दिस इज द वाइल्ड राइनो, कुछ दिख नहीं रहा है, बाद में दिखा दूंगा। और उसमें है फोकस नहीं अच्छे, और बॉक्स में है अपना सेबर टूथ बाबिल। एंड दैट्स द अपडेट। एक और अपडेट छोटी सी है, न्यू रिस्ट्रैप्स, दीज आर 1 मीटर एंड फुटेड है। दिस इज द रिस्ट्रैप, दिस इज 1 मीटर लॉन्ग, मतलब बहुत लंबा है। तो ये तो प्रोटोटाइप है, नया रिस्ट्रैप फटाफट आ जाएगा जब ब्रांडिंग वाइंडिंग कर पाऊंगा मैं। एंड 1, 2, 3, 4 and 5 राउंड्स विदाउट टाइटनिंग इट। टाइटन करने में देखते हैं कितना, मतलब मैं अभी काउंट नहीं किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 राउंड्स मिलते हैं। प्रिटी ब्रूटल, मतलब बहुत टाइट होता हाथ, हाथ मूव करने के लिए कुछ जगह मिलता ही नहीं है। ये मैंने स्पेशली सोच के बनाया है कि भाई कभी मुझे मतलब
परेशानी होती है ना रिस्ट में, स्पेशली बेंच करते हुए, उसके लिए मैंने थोड़ा सा लंबा बना दिए। एंड होपफुली सबको पसंद आएगा इसका प्राइस पॉइंट भी। एंड गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए। मुझे देखेगा नहीं बिकॉज इट्स यूट्यूब ने पूरा निकाल दिया डिसलाइक बटन फॉर सम ऑड रीज़न। एंड स्पार्टन्स का एक लेक्चर आने वाला है तो गो टू द इंस्टाग्राम पेज, गिव देम अ फॉलो, उनका प्रोग्राम बाय कीजिए। एंड कौन मतलब कौन सीटी बजा रहा है। तो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन पीस आउट। वेट करना वीडियो का, मज़ा आएगा।